प्रिंसिपल जिन्होंने वाकई बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहे हैं। मैं इसके अप्रत्यक्ष ऑनर श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी जिन्होंने इस आयोजन को इतना बढ़िया बनाया है और हमारे इस कार्यक्रम में जो विद्यालय का एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन है इसमें आए हुए हमारे बीच सेवानिवृत्त आदरणीय जज साहब, इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, शिक्षिका, गार्जियंस जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आसपास के वैसे अभिभावक जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ते हों वो आज गेस्ट हों, पत्रकार बंधु और सबसे अधिक जिनके लिए कार्यक्रम है वो हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों जो हौधुल कर रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह घूम भी रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। सभी को मेरी ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज यह एक मेले का स्वरूप ले रखा है, बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। वर्ष में एक बार उनको कुछ परफॉर्म करने का मौका मिलता है और इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। आप देखें एक ग्रुप में जो बच्चे यहां पर आए थे वह दो तीन मिनट के कार्यक्रम में ही उसकी तैयारी के पीछे जब जाएंगे तो पता चलेगा कि काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अभ्यास जो है व्यक्ति को महान बनाता है, किसी भी चीज़ के लिए अभ्यास नित्य नियमित होनी चाहिए। और ये तो एक फंक्शन है, आप अपने जीवन में भी देखते हैं एक रूटीन सेटअप होता है कि रात के 9 बजे सो जाना है, सवेरे 5 बजे जग जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है, ब्रशअप होना है, वॉशअप होना है, फिर आगे की दिनचर्या होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, ये चलते रहता है। मेरा मानना है कि विद्यालय एक ऐसा श्रद्धा का केंद्र होता है, जो सर्वोच्च आस्था बनाए रहता है। किसी भी विद्यालय के परिसर में घुसिए और वहाँ पर अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक है, आपको लगता है कि इसकी बिल्डिंग्स, इसके परिसर, इसके टीचर्स, इसके स्टाफ, इसके एक एक दीवार ईट कुछ न कुछ कहता होता है। हम बहुत सारे धार्मिक स्थल देखते हैं जहाँ पर धर्म के आधार पर ईश्वर, अल्लाह, गिरजाघर या फिर हमारे अन्य धर्म के लोग अपने अपने तरफ से श्रद्धा बनाए रखते हैं। मेरा मानना है कि सभी अपने जगह हैं, लेकिन हमारा विद्यालय एक खास होता है और इस विद्यालय में जो बच्चे, जो शिक्षक, जो अभिभावक जो संकल्प लेते हैं, जो सीखते हैं, उसका असर पूरी देश दुनिया को बदलने में, देश दुनिया को अच्छे होने में होता है। ये एक छोटा सा फंक्शन है जो एक पड़ाव है, रुक करके हम पूरे साल भर में जो गतिविधियाँ करते हैं उसके आधार पर एक इंजॉयफुल डे के रूप में मनाते हैं जो आज मनाया जा रहा है। लेकिन जो क्लासरूम और विद्यालय के परिसर में जो ज्ञान शिक्षक के द्वारा दिया जाता है वह अपने आप में अनमोल और अमूल्य होता है। अभी जज साहब से बात हो रही थी तो उनका ही कहना था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कुछ खास वर्ग के बच्चों तक ही सीमित रखी गई है, ये सभी के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले चाहे वो जिस एज ग्रुप का। मेरा मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान जिस तरह से हमारी जरूरत बन पड़ी है और यह आवश्यक आवश्यकताओं में है, इसी तरह से शिक्षा को भी जोड़ लेना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले एक पत्रकार महोदय से बात कर रहा था तो पता चला कि अपने ज़िले में अखबार का जो सब्सक्रिप्शन है, जो डेली अखबार लेते हैं, उसकी संख्या बहुत कम है। ज़िले में 20-22 हज़ार 25 हज़ार मात्र उसकी संख्या है और मुझे लगता है कि शायद 25% तक शहरों में ही 25% लोग अखबारों से जुड़े होते हैं। अखबार पढ़ने